सो हे गाइस, यू वाचिंग नितिन मिश्रा और यार आई एम रियली सॉरी कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं इस कंडीशन में था, आई वाज नॉट इन कंडीशन टू मेक वीडियो। तो यार मतलब ऐसे आई एम वेरी रियली सॉरी मतलब ठीक है। और आज अपन बात करने जा रहे हैं, मैंने अभी मतलब अपने यूट्यूब पे कमेंट्स देखे थे और उन्हीं से मैं वीडियोज बनाता हूँ, तो उसमें मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था, भैया एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता दो सही तरीका, और एक का आया था भैया आप कैसे पढ़ते थे, आप अपनी बुक्स बताओ। ठीक है, तो यार ये मुझे टॉपिक ऐसे कोई इतना बड़ा तो नहीं लगा, पर मुझे ऐसा लगा इसे मुझे वीडियोस बनानी चाहिए क्योंकि उस पर लाइक काफ़ी ज़्यादा थे और कमेंट्स भी काफ़ी सही थे मतलब। ठीक है, तो मतलब तुम लोगों को थोड़ी दिक्कत है उस चीज़ में, तो आज अपन इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि एनसीईआरटी को कैसे ढंग से पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या किन किन चीज़ें के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। क्योंकि अभी इंस्टाग्राम पे मेरे को एक बच्चे का मैसेज आया, वो बोल रहा था भैया मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ तो ये सारी बुक्स फॉलो कर रहा हूँ, बुक्स में सिर्फ एनसीईआरटीज थी। तो यार देखो मैं ये भी डिस्कस करने वाला हूँ कि तुम्हें कौन कौन सा पार्ट कवरअप करना है एनसीईआरटी से, कैसे करना है, कितना करना है और कितना क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, जो पार्ट है जो तुम्हें जेई में पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और जो नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और जो चैनल पे मतलब जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है ये तो तुम्हारी चैनल है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को, और कोई भी डिमांड हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखो पहली बात जो बात है वो मेरी बुक्स देख लो यार, मेरी बुक्स है ठीक है, ऐसे कोई दो ही बुक्स बची हैं, इन दोनों की हालत ऐसी है, तो बाकी दो की समझ लो कैसी होगी, केमिस्ट्री की है दोनों, तो ऐसी कुछ हालत थी। तो यार देखो सबसे पहली बात है कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है अपने को। तो यार देखो एनसीईआरटी मैथ्स बिल्कुल जेईई मेंस के लिए नहीं पढ़नी है अपने को, टाइम वेस्ट हो। ठीक है, अपने को क्या पढ़ना है, अपने को इनऑर्गेनिक पूरी, ऑर्गेनिक पूरी, फिजिकल के थोड़े बहुत चैप्टर्स जैसे सरफेस केमिस्ट्री हो गई और सॉल्यूशंस हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, ऐसे जो कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो फिजिकल के पढ़ने हैं क्योंकि उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आगे बात करता हूँ चलो मैं तुमसे। और फिजिक्स में अपन को पढ़ना है कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ये जो मॉडर्न फिजिक्स की, अगर तुम्हें पढ़ना हो ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तुम्हें और डिटेल में जाननी हो चीज़ें तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अल्टीमेटली जो अपन बोर्ड्स की तैयारी करते हैं तो एक बार रीडिंग मार ही लेते हैं, पर अभी क्या एंड टाइम आ गया है और तुम्हारा और इनऑर्गेनिक तुम अभी कवरअप कर रहे होगे सब लोग, तो कैसे करना है वो मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं यार, तो मतलब देखो पहली जो बात है अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक से। तो यार जो देखो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना यार वो बहुत वास्ट है। ठीक है, अब क्या होता है अपन खोलते हैं चैप्टर, पढ़ते हैं, दो पेज पढ़ते हैं, नींद आने लग जाती है, सो जाते हैं, फिर देखते हैं कि अपन कहीं नहीं पहुंचे, समझ में जो चीज़ पढ़ी रहती है भूल जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा होता है कि अपन बुक खोलते हैं एक चैप्टर बाद एक पढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं तब तक फिर भूल जाते हैं कि क्या शुरुआत में पढ़ाते हैं, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं यार। ठीक है, तो अपने को एक बहुत सिंपल सी चीज़ करनी है, देखो यार कोई भी चैप्टर है तो उसको एक बार अच्छे से पहले पेन लेके पढ़ो। ठीक है, पहली बात तो, क्योंकि यार देखो मोस्ट बच्चे क्या करते हैं ऐसे बुक लेके बैठ जाते हैं, ऐसे पढ़ना शुरू कर देते हैं, है बहुत छोटी चीज़। ठीक है, पर क्या होता है ना यार इससे जब तुम ऐसे पढ़ते हो तब तुम्हारे मतलब कुछ मूवमेंट नहीं होता है और तुमको जो फिर मतलब अगर तुम्हें बोरिंग लग रही है सामने वाली चीज़ तो फिर तुम उसमें अनकॉन्शियस चले जाते हो बहुत, फिर तुम्हें समझ में भी नहीं आती है, फिर तुम सो जाते हो या फिर कहीं और तुम्हारा ध्यान चला जाता है। सबसे पहले पेन रख के हर एक लाइन को अंडरलाइन करना है। देखो मैं जो भी चीज़ पढ़ता हूँ यार अपनी मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, इधर लिखे हर चीज़ अंडरलाइन है बिल्कुल अच्छे से। तो मतलब पेन लेके शुरुआत से लग जाओ कि अच्छा, और जब तुम पढ़ रहे हो तो ये सोचो कि इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। क्वेश्चंस फ्रेम होने का जब तुम अपने इस लेवल पर पहुंच जाओगे ना यार, जब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन निकल सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, तब तुम समझना तुम्हारी एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हो तुम। ठीक है, ये मेरे एक सर ने कहा था मुझे, तो ये जो भी चीज़ है ठीक है उसको मतलब पेन से अपने को स्टार्ट करना है पढ़ना पहली बात। ठीक है, अब जैसे एक बार अपन ने पेन से पढ़ लिया या फिर एक बार अच्छे से पढ़ लिया पूरा चैप्टर को, फिर अपन आएंगे तो भूल जाएंगे ऑलमोस्ट, तो अगर एक दो दिन बाद भूल ही जाओगे। ठीक है, अगर तुमने सही से लिख भी रखा है, अपने को इसके बाद थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसके ऊपर ही। ठीक है, अब तुम इसके लिए कौन सी चीज़ ले सकते हो, तुम वीके जायसवाल ले सकते हो, क्योंकि वीके जायसवाल का जो फ्रेम है मतलब जिस फ्रेम वो इस टाइप से है कि एनसीईआरटी की एक लाइन के ऊपर उसकी भी एक वहाँ पे लाइन पे क्वेश्चन है, मतलब जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वहाँ पे क्वेश्चंस भी उसी टाइप से चल रहे हैं। ठीक है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बना के डाले हुए हैं, यकीन नहीं आ रहा तो एस ब्लॉक की तो एक बार एनसीईआरटी खोलना और वीके जायसवाल साइड में रखना। ठीक है, हर एक लाइन से उसने क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम्ड है वो पूरी बुक, तो अगर तुम ऐसे प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन हैं और जो मतलब जो फैक्ट्स हैं वो दिमाग में भरते चले जाएंगे। ठीक है, और जो दूसरी बात है वो पुराने जेई के पेपर है या फिर जो इस बार का जेई का पेपर तुमने दिया था उसके ट्रेंड्स देखो, किस टाइप से इनऑर्गेनिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उन सबको डिस्कवर करो, उन टाइप के जो ट्रेंड्स या फिर जो भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एनसीईआरटी में ढूंढो कि अच्छा ये चीज़ भी उसी कैटेगरी में आती है, ये भी पूछी जा सकती है। तुम ऐसे धीरे 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 करोगे ना तुम्हारी इनऑर्गेनिक की नॉलेज बढ़ जाएगी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया मेरी इनऑर्गेनिक की नॉलेज कैसे बढ़ाऊँ एडवांस के लिए,
यार देखो एक चीज हो गई, तुम बहुत सारी बुक्स पढ़ लो, बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लो, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जेडली पढ़ो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। दूसरी चीज, तुम क्वेश्चंस इतने कर लो कि क्वेश्चन से सीखते चले जाओ, ठीक है। कोई भी नई चीज मिले उसको एनसीईआरटी में कहीं लिख लो। यार देखो जो भी मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश ट्राई मारता हूँ शायद दिख जाए। जैसे यार मैं अपने एनसीईआरटी की साइड में हमेशा लिख लेता था, जैसे कोई भी कोई रिएक्शन है उसके कुछ एक्सेप्शन है यार, उसके बारे में कुछ खास बातें हैं, ठीक है, जो मुझे पता होनी चाहिए, जो जेईई एग्जाम से पूछी जा सकती है। या फिर कोई क्वेश्चन नया मिला, कोई टेस्ट पेपर दिया मैंने, उसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिली, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये मुझे समझ नहीं आया था और ये इससे टॉपिक से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ लिख लेता था। तुम मेरी पूरी देख सकते हो, देखो फर्स्ट पेज ही भरा हुआ है यहाँ पे लिखे उससे, कि मतलब मैं हर चीज लिख लेता था कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, भैया मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया मैं नोट्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, कि जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ तो मैं साथ में नोट्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ। अगर तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर में बहुत ज्यादा फैक्ट्स हैं, मैं नहीं याद रख पाऊंगा अपने दिमाग के अंदर, तो भले ही बना लो, ठीक है। मैंने पूरी एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक ही चैप्टर के नोट्स बनाए थे, एक तो जो पी और एस ब्लॉक है ये सब कोचिंग में कवर हो जाते हैं, जो एक इन्वायरमेंटल वाला जो आखिरी चैप्टर आता है इसमें मेडिसिन और एंटीबॉडीज है, उसमें बहुत सारी चीजें कवर अप्ड है और उसमें पूछा एक क्वेश्चन हमेशा जाता है, तो इसलिए मैंने उसके नोट्स बनाए थे। तुम देख लो इस बार के ट्रेंड्स के हिसाब से कुछ चेंजेस हुए हैं पेपर के अंदर, जैसे 25 क्वेश्चन हो गए तो उससे क्या वो थोड़े तुम्हारे मिक्सड अप मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर इस टाइप से वहां पे भी पैटर्न है तो तुम ऐसे उस चैप्टर के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। जो चैप्टर का तुम्हें लगता है कि इस चैप्टर में फैक्ट्स बहुत ज्यादा है, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही चीजें, या फिर मुझे इसमें नोट्स बनाने चाहिए, तो बना लो। नहीं तो मैं क्या करता था, जैसे कोई भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज मिली तो उसको अंडरलाइन कर लेता था, साइड में उसके बारे में कुछ लिख लेता था, अच्छा ये चीज है, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम करोगे तो तुम्हारी मतलब एनसीईआरटी अच्छे से कवर अप होती चली जाएगी, ठीक है। नहीं तो क्या होता है मोस्ट लोगों के साथ, जो मेरे साथ भी होता था, कि मैं एनसीईआरटी पढ़ने बैठा और सो गया, ठीक है, 2 घंटे बाद उठा फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सीरियसली मेरी एडवाइस मानना कि पेन या फिर कुछ भी पेन से लेकर अंडरलाइन करते चले जाओ, ठीक है। मतलब मेरी कुछ चैप्टर्स तो ऐसे अंडरलाइन हो गए थे कि मतलब हर एक लाइन ही अंडरलाइंड है उसकी, मतलब तीन तीन पेन से अंडरलाइंड है, क्योंकि तीन तीन बार चैप्टर पढ़ा है इससे। हाँ, कि कितनी बार एक चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ये भी मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, भैया कितने मतलब कितनी बार एक चैप्टर को पढ़ो, तब तक पढ़ो जब तक तुम्हें सेल्फ वो ना हो जाए कि अब मैं इस चैप्टर पे कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में तुम्हें बताया है कि जैसे यूजेस पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर मतलब छोटी छोटी लाइंस जो क्वेश्चंस बना के पूछे जाते हैं, तुम्हें ही पता, तुम्हें भी आइडिया लग ही गया होगा अभी तक, क्योंकि तुमने बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस कर लिए होंगे कि इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको तुम्हें फ्रेम अच्छे से उसको तुम्हें देखना है कि अच्छा ये है तो इसको तुम कहीं लिख लो तो वो बेटर रहेगा। और उसको कितनी बार पढ़ने का जो है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी बार तुम्हें तुम्हें समझ आ जाए, या तो एक बार रीडिंग मारो क्वेश्चंस कर लो, अगर तुम्हें क्वेश्चंस दिमाग में फिट बैठ जाते हैं, ठीक है, थीके? अगर तुम 3 बार रीडिंग मारोगे तब भी तुम्हें शायद फिट ना बैठे दिमाग में, पर अगर तुम एक बार रीडिंग मार के क्वेश्चन कर लेते हो तो तुम्हारे फिट बैठ जाते हैं। एक अप्रोच ऐसी भी होती है जिसमें मैंने बच्चों को देखा है अच्छे से होते हैं, जिसके अंदर वो क्वेश्चंस उठा लेते हैं, क्वेश्चन से एनसीईआरटी में ढूंढते हैं चीज यहाँ लिख के, और फिर उनके दिमाग में फिट बैठ जाती है वो चीज़ें। तो दोनों अप्रोच है, दोनों फॉलो कर सकते हो, और ये जो बात है मेंस के हिसाब की है, ठीक है। एडवांस की तुम्हें थोड़ी बहुत चीजें ऊपर की जाननी पड़ती है, वो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से ही आती है, ठीक है, या फिर जेडीली और जो भी सिलेबस के अंदर मेंशन चीजें अगर तुम वो कवर अप जेडीली वीडीली कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बेटर हो जाते हैं चीजें, ठीक है। सेकंड बात करूँ ऑर्गेनिक की, तो यार ऑर्गेनिक में अभी बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा था कि भैया ऑर्गेनिक कैसे पढ़ू एनसीईआरटी से। जो भी चीजें लिखी, जितनी भी रिएक्शन लिखी है तुम्हारे ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी में, ठीक है, वो तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए, और जो उसके रिएक्शन मैकेनिज्म है वो तुम्हें आने चाहिए, और जो जितना एनसीईआरटी में कवर्ड है रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में उसके ऊपर जो लिखा है। अब जैसे मैं एक चीज तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे कुछ एक अभी रिएक्शन देख रहा था मैं कि हाँ ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देख रहा था, तो इसके अंदर देखो यहाँ एसीटोन लिखा हुआ है रिएक्शन के बीच में, ठीक है, और ऊपर टेक्स्ट में लिखा हुआ है ड्राई एसीटोन। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि इस रिएक्शन में कौन क्या कैटलिस्ट यूज हुआ है या फिर क्या यूज हुआ है, ठीक है, जो रिएक्शन में डला है। अब वो वहाँ एसीटोन नहीं लिखेगा यार, वो वहाँ लिखेगा ड्राई एसीटोन, वेट एसीटोन और फिर कोई दो ऑप्शन, और यहाँ तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो वहां पे सिलेक्ट वही बंदा होगा जिसको पता होना चाहिए कि वो ड्राई एसीटोन है, तो इतने डिटेल में पढ़ो, ठीक है। देखो यार मैंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ ड्राई एसीटोन लिखा है, उसको मैंने 2 बार अंडरलाइन है पूरा अच्छे से। तो इस टाइप से तुम्हें रीडिंग बनानी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। यही जो चीज, यही एक एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी पढ़ने का कोई तरीका नहीं, सीधे सीधे पढ़ लो, ठीक है। पर जो जो चीज तुम लोग मिस कर जाते हो, फिर मुझे लगता है जो तुम मिस कर रहे हो वो यही है कि तुम ऐसी जो छोटी छोटी चीजें, ऐसे ड्राई इथर का भी एग्जाम्पल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया, इसको थोड़ा फॉलोअप जैसे करोगे उतना बेटर होता चला जाएगा, ठीक है। जितनी भी रिएक्शन है, जितनी भी टेबल्स हैं, जितनी भी डायग्राम्स हैं, जितनी भी लिस्ट है,
लिस्ट के कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के नीचे, उसके नीचे कुछ लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी के पेज के नीचे कुछ लिखी हुई इन्फॉर्मेशन, उसको भी देखो ढंग से, ठीक है। हर पेज को पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक स्कैन करो कि अच्छा ये इन्फॉर्मेशन लिखी गई, और जहां भी मिले उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। अभी तुम्हारे पास 2-3 महीने अच्छे से रोज थोड़ा बहुत टाइम दोगे इनऑर्गेनिक को, तो तुम्हारा धीरे धीरे कवर पता चला जाएगा। और मेरी बात मानो, अगर सबसे ज्यादा स्कोरिंग कोई चीज है पूरे जेई के पेपर में, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अगर तुम्हें इनऑर्गेनिक अच्छे से आती है, तो 3 मिनट में तुम्हारी पूरी इनऑर्गेनिक निपट सकती है, ठीक है। इतने फास्ट होते हैं क्वेश्चन, टिक 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 ऐसी होती है चीजें, ठीक है। और ये एडवांस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, मेरे एडवांस में मोस्ट नंबर इनऑर्गेनिक से आए थे। तो जो भी तुम्हें मैंने बता दिया है, पर जो भी तुम्हें फॉलो करना हो कर लेना, ठीक है। अब बात करूँ फिजिकल की, मेरे पास अभी बहुत रिक्वेस्ट करती है, भैया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कुछ बता दो। फिजिकल में मोस्ट जो इंपॉर्टेंट है वो तुम्हारे जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, वो सारे तो इससे कवर अप कर लो। उसके अंदर तुम्हें क्या पता लगाना है, एग्जाम्पल्स, जैसे जैसे सॉल्यूशंस के अंदर कोई दो टाइप के, कोई भी दो टाइप में बोल चुका हूँ वैसे आधी से ज्यादा चीजें, पर जैसे कोई दो टाइप की कुछ मतलब मान लो सब्सटेंसेस हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स हैं, तो तुम्हें एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, वो कई बार पूछ ले जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सरफेस केमिस्ट्री, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट अच्छे से पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल्स रट लेना, ठीक है, बिल्कुल। और जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इसके लिए तुम फॉर्मुलेस कहीं से जुगाड़ो, कोई कोचिंग की नोट्स निकाल लो कहीं से, ठीक है। मोस्ट लोगों को पता होंगे फॉर्मुलेस, ठीक है, और जिनके लिए, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ, या फिर जो 11th या फिर जो अभी 12th के अंदर है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं से उनके फॉर्मुलेस निकालो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करो, एन अवस्थी से, आरसी मुखर्जी से। अगर तुम्हें थ्योरी में प्रॉब्लम है, मोस्ट लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं भैया मेरे को थ्योरी समझ नहीं आ रही, कौन सी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, तो यार कोई अच्छा यूट्यूब चैनल नहीं है यार फिजिकल के लिए, अनअकैडमी ट्राई मार लो, क्योंकि अनअकैडमी मुझे इतना कुछ मतलब अच्छे से नहीं लगा था मुझे, तो या तो कमेंट सेक्शन में कोई अच्छा डाल देना, तो मैं पिन कर दूंगा उस कमेंट को। तो हाँ ये कर सकते हो, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो गई हैं। तो फिजिकल के लिए तुम बी बहादुर एक बुक आती है, उसमें थ्योरी बहुत अच्छी लिखी हुई है, ठीक है, थ्योरी के साथ एग्जाम्पल से बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, बहुत मोटी बुक है, तो तुम उसको एक ट्राई दे सकते हो कि उससे थ्योरी थ्योरी पढ़ लो। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है उससे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, फिजिकल इज ऑल अबाउट फॉर्मुलेस एंड हाउ टू अप्लाई इट इन क्वेश्चंस। तो मतलब तुम्हें अच्छे से फॉर्मुलेस पता होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए, क्वेश्चंस इतने टफ नहीं आते, ग्राफ्स अच्छे से देख लेना, ठीक है। ग्राफ्स अभी इस बार के जेईई के पेपर में काफी सारे ग्राफ्स आए थे, और तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया या फिर जो भी सॉल्यूशंस हो गया, तो इसके अंदर ग्राफ की काफी सारी अहमियत होती है, तो तुम्हें ये सब चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली मैंने केमिस्ट्री कवर की पूरी वीडियो में एनसीईआरटी के थ्रू, पर तब भी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन नीचे है बिल्कुल ठोक दो, और जो नया है चैनल पे बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। कोई भी सजेशन हो, कोई सी पे भी वीडियो चाहिए हो, मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करो। कभी कभार लेट हो जाता हूँ रिप्लाई करने में, तो आई एम सॉरी यार, कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में, मेरे को मतलब थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है। और सब्सक्राइब बटन मतलब लाल बटन आ रहा होगा, ठोक दो उसको, और अपन वीडियो एंड करते हैं इस तरीके से। तुम्हें वीडियो पसंद आई हो आई होप, कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में डालो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक यार बेस्ट ऑफ लक, और मेहनत करते रहो, ठीक है, बिल्कुल। जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हारा बेटरमेंट होगा, उतने तो अपग्रेड वर्जन बनोगे अपने, ठीक है। रोज अपने आप को अपग्रेड करो, और बिल्कुल बहुत मेहनत करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।